और दूसरी तरफ डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का एक बयान सामने आया। उन्होंने कांग्रेस की 60 सीटों पर दिल्ली में मंथन हो रहा है इस बात का जिक्र किया। 17 अक्टूबर को दूसरी लिस्ट जारी हो सकती है इस बात का भी जिक्र। कई विधायकों का टिकट कट सकता है, ये महत्वपूर्ण बात। बदलाव प्रकृति का नियम है, दूसरी लिस्ट में टिकट कट सकता है बहुत लोगों का। क्रिकेट टीम में हर कोई नहीं खेलता है। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव इस बात का जिक्र करें। करण को देख के गिरीश को मौका दिया गया है। कांग्रेस के एक सीनियर लीडर हैं, संगठन से कई सालों से जुड़े हुए हैं, प्रदेश के राजनीति को भी समझते हैं, नज़दीकी से समझते हैं, तो वहाँ के सामाजिक समीकरण को ध्यान में रख के उनको मौका दिया गया है और कड़ी चुनौती देंगे रमन सिंह जी। कल ये जो 60 सीट बची हैं उसके संदर्भ में बैठक होगा और परसों 9 बजे सुबह राजस्थान और दिन में शायद 4 बजे मध्य प्रदेश, इसकी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक। कल लंच के पहले बैठक है तो मुझे लगता है कि शाम रात को भी कुछ नाम आ सकते हैं। हम लोग का काम है अपना सुझाव देना, फिर हाईकमांड तय करेगा रिलीज कब करना। आशंका नहीं है, ये तो व्यवस्था है। पत्ते हैं झड़ते हैं, नए पत्ते आते हैं, प्रकृति का नियम। तो इसमें भी नया पुराना हमेशा होता रहता है, कोई नई बात नहीं हो रही है। अभी 30 में आपने देखा कि 8 सीट बदली है, 60 में भी कुछ बदल सकते हैं। परफॉर्मेंस, हर आदमी एक जैसा नहीं खेलता। आप क्रिकेट की टीम बनाते हो तो वही लोग 20 साल तक नहीं खेलते। क्रिकेट की टीम में भी चयन होता है, तो कभी कोई ओपनिंग का बैट्समैन है, कभी कोई नंबर 3 है, कभी कोई नंबर 4 है, कभी कोई बॉलर खरीद खेलता है, कोई नया मिडिल ऑर्डर में आता है, अभी KL राहुल फॉर्म में, कभी शुभम गिल खेल रहा है। तो ये चेंज समय के हिसाब से और परफॉर्मेंस के हिसाब से हमेशा हर जगह होता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। और कांग्रेस ने पहले चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए एक सीट को छोड़कर सभी सीटों का ऐलान कर दिया है। बस्तर की 12 में से 11 सीटें घोषित हो चुकी हैं, प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं, लेकिन जगदलपुर की सीट पर अभी भी कई दावेदारों के नाम सामने आ रहे हैं, सस्पेंस अभी भी बरकरार है। बताया जा रहा है कि मलीत सिंह गैदू, जतिन जायसवाल इस सीट पर दावेदारी जता रहे हैं, लेकिन इसे लेकर पेच फंसा हुआ है, फैसला नहीं हो पाया।